गाइस अगेन वेलकम करता हूँ आप सभी का मनीष अरोड़ा व्लॉग्स में। होप सो सब खुश होंगे, मस्त होंगे। बहुत दिनों बाद व्लॉग कर रहा हूँ, सॉरी फॉर इसके लिए, क्योंकि मैं बहुत टाइम से कर नहीं पा रहा था, कहीं पे स्टक्ड था, किसी चीज़ों में फंसा हुआ था। आज एक्चुअली मेरा जेनपैक का आखिरी डे है, मैं जेनपैक से रिज़ाइन कर चुका हूँ एंड अभी बस मेरे को निकलना है लैपटॉप एंड सारे इक्विपमेंट्स जेनपैक को कंपनी को वापस देने, क्योंकि कल लास्ट डे है बट आपको ना एक दिन पहले सब कुछ रिटर्न करना होता है, तो मैं बस सब कुछ पैक ही कर रहा हूँ। मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ जाऊँगा, क्योंकि एक दो फ्रेंड्स ने और साथ में रिज़ाइन किया, आज उनका भी लास्ट डे ही है, तो बस अभी फ्रेंड आएंगे उसके अकॉर्डिंग निकल जाएंगे। तो बस जल्दी से निकलते हैं, खाना वाना खा के फिर नई जर्नी स्टार्ट करेंगे। फिर मेरी न्यू कंपनी में कुछ ही दिनों बाद ज्वाइनिंग है, तो वो भी मैं दिखाऊंगा कि मेरी ज्वाइनिंग कहाँ पे है। बस दिखा देता हूँ मैं क्या क्या वापस लेके जाना होता है, क्या क्या आपको हमें देती है। लैपटॉप, हेडफोन्स, आपकी ये कॉर्ड वायर्स थी, क्योंकि मैं ऑफिस जा रहा था एक आध दिन में गया हूँ, तो इसलिए मेरे को ये भी मिली थी। मेरा आईडी कार्ड है, हियर इज़ माई आईडी कार्ड है, और आपका चार्जर, ये सब चीज़ थी। तो बस मुझे ये सारी चीज़ें वापस करके आनी है जेनपैक में। अभी बस जाएंगे, शायद एक दो घंटे लगेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट के लिए, क्या करते हैं। मैं आपको चीज़ें आपको बताऊंगा कि मतलब मेरी कहाँ ज्वाइनिंग हुई, कैसे हुई, ये सब मैं आपको बता दूंगा डिटेल्स में, डोंट वरी फॉर दिस। बस अभी जल्दी से बस पैक करते हैं बैग, क्योंकि फ्रेंड्स ऑलमोस्ट देयर पहुँच रहे हैं, हम निकलते हैं फिर घर से जल्दी। तो गाइस निकल चुके हैं ऑफिस की तरफ, सभी अभी जस्ट दोस्त आए, अभी बैठे हैं गाड़ी में, अब निकल रहे हैं, अब जेनपैक जाते हैं, जल्दी लैपटॉप देते हैं। हैं भाई, हाँ तो भाई ये बोलना मेरे को पिक करने आए हैं। हाँ भाई, भाई यही पहले बोल देना भाई, दोस्त पिक करने आ रहे हैं, बार बार यही थोड़ा ना बोलता रहूँगा। हाँ तो ऑलमोस्ट 1 आवर लगेगा पहुँचने में, उसके बाद जल्दी जल्दी लैपटॉप सबमिट कर। बट नेक्स्ट इतने गोरे गोरे होते हैं, गोरी इतनी होती मेरे पर्स में है भाई। गाइस होगी दिन की अच्छी शुरुआत, बेफालतू का चलान काटा गया, जबकि कोई हमने ट्रैफिक लाइट जंप नहीं करी थी, बट वो मानने को तैयार नहीं थे, कह रहे थे कि जी करिए तुमने जंप, तो तुम्हें पे करना पड़ेगा या सीधा जाके कोर्ट में देना 10,000 रुपये। तो उससे बेटर हमने यही सोचा कि भाई 500-700 रुपये में अगर बात बन रही है तो ठीक है, क्योंकि पकड़ा है तो देना तो पड़ेगा ही, तो देना पड़ा चलान बेफालतू का। बहुत बुरा लगा, उसका पैसा दिया है हरामखोर को, मेहनत का पैसा दिया है उस हरामखोर को, तो बहुत बुरा लगा। चलो कोई नहीं, जा तो रहे हैं सामने। अरे जा तो रहे हैं, वो मुड़ के जा रहे हैं ना। नहीं भाई, ये उस भाई ने भी रोक ली मेरे चक्कर में। मुझे भी ऐसा लग रहा है सबने रोक लिया, बहन जो मैं जाऊं वो रोकने ले गई। रोक ले भाई, रोक ले अभी, रोक ले भाई, पुलिस वाले और खड़े हैं। अरे तो कोई नहीं ना, कोई नहीं, खड़े रहे अभी। नहीं यहाँ कोई रेड लाइट नहीं दिखती मेरे को भाई। भाई ऐसे नहीं होगा भाई, पुलिस वाले भेज रहे होंगे भाई, मेरे को इतना पता है। इधर से निकाल ले तो कट मार के घुमा के लाए, घुमा के लाए, सीधे ले लेता हूं, घुमा के लाना पड़ेगा सीधे, तो मुश्किल लग रहा है मुझे भाई। मुझे भी सूजे की ना तुक लग नहीं रही भाई, सूजे की तुक लग नहीं रही भाई, सच बताऊं तो। हाँ भाई यहीं यहीं ले ले भाई, मेरे ना भाई ना इनका ना जिस हिसाब से खड़े हैं ना, वो नेतागिरी करके भाई एक साथ 5 बंदे बिल्कुल भाई, और पैसे भी नहीं है भाई, अब जीपे करना पड़ेगा वो मैं तुझे और मुझे। वो क्या होता है
हाँ बिल्कुल, गोली के लिए निकाल के घर से लाए थे शायद पैसे हम एटीएम से करा रखे। हाँ भाई बिल्कुल। मैं यही तो कह रही थी, इतनी दूर हम पैदल चल के भाई यहाँ पे ये। तो गाइस फाइनली पहुँच चुके हैं जनपैक चालान कटवाने के बाद। अरे अच्छा मुझे लगा भाई एग्जिट भी आ गई क्या। आईडी कार्ड दिखाना है बस। कहाँ पे लगानी है? या तो बाइक वाइक के देखो। आगे कहता है आईडी कार्ड दूँ अपना? है रखा है। अरे आगे पड़ा है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना, बैग में। जनपर्स क्या? कहाँ है? उज्जैन कैट से कार्ड है। 703-16572। मैं गाड़ी वाड़ी पार्क कर रहे हैं। पहुंच चुके हैं जनपैक। अरे आगे वाले गेट से होगी एंट्री। आगे वाले से होती है। हाँ और पुलिस वाले कहाँ गए भाई सारे है? सारे पुलिस वाले कहाँ गए? ये थोड़ी था, यही तो था भाई, हमें चूतिया बनाया गया। भाई हम मतलब डर के मारे हम खुद ही गए। इस फाइनली पहुँच गए क्या? फाइनली जनपैक की गंदी सी आईटी रूम में पहुँच गए। फेज फाइव वाले में हम आए हैं लैपटॉप सबमिट। नहीं होता है क्या? इज फाइनली डन। अरे कैफेटेरिया चलना है क्या यहीं पे या कहीं और चलना है? अच्छा यहाँ पे शीशे वीशे नहीं है यार, होने चाहिए थे। सबमिट करवा दिया, बस एक ये आईडी कार्ड लेके घूम रहे हैं हाथों में। अभी बस इसे भी सबमिट करा के किसमें। देख रहे क्या क्या देख रहे हैं? लुक्स देख रहे हैं क्या? देख रहे हैं लुक्स नहीं है कहाँ, ये कितने दूर है? ये रहा कैफेटेरिया, कितना दूर है? डायरेक्शन देख रहे हैं डीएलएफ सिटी कोर्ट मेन रोड 30। हाँ बस अभी आउट है, फिर हम लैपटॉप सब में चला। तो फाइनली लैपटॉप कर दिया रिटर्न। अब यहाँ से कर रहे हैं सी ऑफ, बस आई डी कार्ड वगैरह दे रहे हैं। अभी फ़िलहाल वॉशरूम में आए जनपैक फाइनली। हाँ जनपैक को फाइनली गुड बाय कह दिया है, लास्ट सी ऑफ। अब दो कलर के पट्टे होते हैं, ग्लू हो गया कंप्लीट। हाँ ये तो गार्ड है, ये गार्ड है। लैपटॉप सबमिट कराने के बाद हम गुड़गांव में ही जा रहे हैं गुफ्तगू कैफ़े। मतलब सुनने था हमने बहुत अच्छा है, तो हमने सोचा वहाँ विज़िट करके देख लेते हैं। लास्ट डे है तो थोड़ा सा फन एंड पार्टी कर लेते हैं बस जल्दी से। अब फिर पहुँचते हैं गुफ्तगू कैफ़े। चलना चल रहा है, टाइम हो गया बहुत लेट। अरे अभी तो बाबू की मेरे साथ भी तो आएगी।
गाइस फाइनली टेकिंग ऑफ फ्रॉम गुफ्तगू कैफे। मैं अपना फोन भी भूल गई। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मुझे पता ही नहीं चला मैं वहीं छोड़ी आई। थैंक यू। देख दो गर्म होगी। बिल्कुल भाई बिल्कुल। मिस कर गया ना ही गाड़ी से फेंक दूंगा तेरे को। नहीं करूंगा भाई मिस, मेरी नजर ही वहीं है भाई, और कहीं नजर ही नहीं है भाई तेरे भाई। यहाँ से ये रोड राइट साइड हो लेफ्ट साइड जाएगा। अभी रोड तो कहीं जाने दे, कट बता दी। अरे कट ही जाएगा, मतलब यही रोड ही होगा। तू जो मेरे ना दे।